Yes, we are live now. Hello friends, this is Shefali and once again welcome back to Canada. So discussion करेंगे आज के session में कुछ important concept communication के इसमें से के types of communication, relationship के आधार पर channel के आधार पर purpose या style के आधार पर direction के आधार पर और उसमें भी personal, interpersonal, intrapersonal, impersonal इसके साथ में mnemonics के concept को समझेंगे adjacent pair क्या होते हैं communication में उसको समझेंगे कम्युनिकेशन की यानी कि संचार की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ मुख्य सी कौन कौन से हैं तो सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन इतनी सारी चीजें आज के इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन की मीनिंग्स डेफिनेशन प्रोसेस कॉम्पोनेंट्स एलिमेंट्स काइनेसिक्स का कंसेप्ट एक ओवरव्यू लिया था टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का होपफुली आप सभी ने उस सेशन को देखा था या उस वीडियो को देखा था उस क्लास में आप सभी लोग रहे होंगे अगर आपने मिस किया है उस क्लास को तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आपको क्लिक करना है यूजीसी ने 2003 गोल्डन बैच और यहां पर जितने भी क्लासेज है कम्युनिकेशन की क्लास वाइज क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री करके वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी होपफुली प्रीवियस पीडीएफ भी आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया होगा इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में सेशन चलने वाला है तो भाषा संबंधी किसी को भी कोई दिक्कत कोई दुविधा कोई परेशानी कोई समस्या यहाँ पे नहीं होगी इसके अलावा ये है हमारा पेपर वन का टाइम टेबल जिसमें कि हम लोग पहले कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड करेंगे हायर एजुकेशन लॉजिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में वेस्टर्न लॉजिक को कवर करेंगे फिर रीजनिंग मैथ्स टीचिंग एप्टीट्यूड आईसीटी पीडी, लॉजिकल रीजनिंग आरसी, ये सारे आपके यूनिट्स इसमें कवर होंगे अगर आप सिलेबस को उठाएंगे तो सबसे पहली यूनिट आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की मिलती है तो ऐसा नहीं हम सफल करके पढ़ सकते हैं ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ोगे कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ना ज्यादा ईजी हो जाएगा ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि काफी सारे इसमें जो कंसेप्ट है टॉपिक्स है वो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में मिल जाएंगे उसी तरीके से जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लोगे तो उसमें कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जो कि आपको हायर एजुकेशन में पढ़ने में हेल्पफुल होगा तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जैसे जैसे आप क्लासेस को लेते जाओगे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी पेपर टू हमारा कॉमर्स है और कॉमर्स की क्लासेस फर्स्ट दिसंबर से शुरू हो जाएंगी अभी फिलहाल एडमिशन प्रोसेस शुरू है जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स के वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं कोर्स के फीचर हैं आपके सामने आपकी इच्छा हो तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं और अगर जिसको भी कॉमर्स का कोर्स लेना है वो इंक्वायरी कर सकता है इस स्पेसिफिक नंबर पर कॉल कर सकता है कॉल करने का जो टाइम है सुबह ग्यारह से शाम के छः बजे तक है और आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम के माध्यम से सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी एडमिशन का जो लास्ट डे है वो है थर्टी नवंबर और दिसंबर uh, से क्लास शुरू हो जाएगी तीस नवंबर तक जितने भी एडमिशन हुए होंगे उन्हीं के आधार पर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी फिर वो चाहे बीस पच्चीस तीस पचास सौ दो सौ एडमिशन जितने भी होंगे उसके बाद से फिर एडमिशन को नहीं लिया जाएगा ये हाई डिमांड पर इस कोर्स को शुरू किया गया है तो यहाँ पे भीड़ को नहीं बढ़ाना है जितने भी स्टूडेंट्स तीस नवंबर तक एडमिशन लेंगे उतने लोगों को ही यहाँ पे इनरोल किया जाएगा माफी चाहूंगी कि कल की क्लास जो है वो यहाँ पे चल नहीं पाई थी पेपर वन की क्लास यूट्यूब पे इसी प्लेटफॉर्म पे चलने वाली है पेपर टू की वहां पे चलेगी तो ये है आपका कम्युनिकेशन का सिलेबस प्रीवियस सेशन में हमने मीनिंग पढ़ लिया था और काफी सारे पॉइंट्स को हमने पढ़ लिया था आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझेंगे होपफुली आप सभी लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही होगी सभी को गुड इवनिंग है वेलकम नमस्ते राम राम सत श्री अकाल असलामेकुम अभिवादन के जो भी शब्द आप सभी को प्रिय लगे उन्हीं शब्दों में आप सभी का स्वागत है अभिनंदन है और आभार है तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ लिया था कंप्लीट कर लिया था डेफिनेशन देख लिया था और सभी को ढेर सारा भाई प्यार आशीर्वाद है फीडबैक भी हमने पढ़ लिया था मैनेजमेंट वाले ले सकते हैं धनराज जी लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैनेजमेंट का सारा टॉपिक आपको कॉमर्स में नहीं मिलेगा जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स और मैनेजमेंट ये दोनों ऐसे आपके विषय हैं जो काफी सारे कंसेप्ट आपके एक दूसरे से मिलते हैं बट अगर आप ये सोचिए कि आप कॉमर्स का बैच लोगे और फिर कॉमर्स के बैच में मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है हालांकि काफी सारे टॉपिक सिमिलर आपको मिल जाएंगे ठीक तो ये एक बात थी और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने डायनेस्टिक्स के कंसेप्ट को भी समझा था और यहां पर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं देखिए एक हमने वर्गीकरण तो पढ़ लिया था कि संचार का जो प्रकार है जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल रिटर्न इसके साथ में लिसनिंग कम्युनिकेशन और विजुअल कम्युनिकेशन ये तो हमने एक नॉर्मल प्रकार पढ़ लिया था लेकिन एग्जामिनेशन में थोड़ा सा इससे बढ़ के आता है जैसे कि यहां पर यूजीसी ने और एन ने जो सिलेबस डिजाइन किया है उसमें संचार के प्रकार को वर्गीकृत कर दिया हुआ है वर्गीकृत का मतलब डिवाइड कर दिया है किसके आधार पर पहले तो उन्होंने डिवाइड किया है रिलेशनशिप के आधार पर यानी कि संबंध के आधार पर संबंध के आधार पर तो फुली ऑडियो वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है सारी यूनिट्स का क्लास होगा खुशी रही बस साथ में आप बने रहेंगे सब क्लासेस को आप ले पाएंगे सभी से रिक्वेस्ट है इसको स्क्रीन अगर अगर आपको ठीक से नहीं दिख रही है तो स्क्रीन के रेजोल्यूशन को आप लोग बढ़ा लीजिएगा है ना तो रिलेशनशिप के आधार पर सबसे पहले हम वर्गीकरण वर्गी जो संचार का हुआ है उसको हम समझेंगे और पहला है इसमें इंट्रा पर्सनल और यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भर भर के आता है एजरेशन और रीजन के फॉर्म में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए कंसेप्चुअल यानी कि आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसी पे हम लोग यहाँ पे काम करेंगे तो पहला रिलेशनशिप के आधार पे कम्युनिकेशन क्या हुआ इंट्रा पर्सनल जिसको आप अंतर व्यक्तित्व संचार करेंगे अंतर जो लिखा है, वो तो आप लोगों को नोट्स में बनाना है आप यहां पे क्लास में बैठे हो क्लास में बैठे हैं तो आप अपना दिमाग खोल करके बैठिए चीजों को समझने के लिए आप यहाँ पे आए हैं नोट आपको फिर भी बुक से मिल जाएगा नोट्स वो आप फिर भी पीडीएफ से बना लोगे अभी क्लास में आप चीजों को समझने पर फोकस करिए और जहां न समझ में आए वहां आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए ठीक तो इंट्रापर्सनल का मतलब यह हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति कोई भी इंडिविजुअल खुद से बात करता है अपने आप से बात करता है अपने आप को सुनता है और इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन यानी कि खुद के प्रतिबिंब को देखने की कोशिश करता है अभी आप मेडिटेशन करके कर सकते हो ईश्वर की आराधना करके कर सकते हो पूजा पाठ करके कर सकते हो यानी कि सेल्फ टॉक जब आप खुद से बातें करते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बुक पढ़ने का मन करता है है ना जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो जब आप खुद के द्वारा ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो फोन में अक्सर ऐसा होता होगा कि आप रिकॉर्डिंग करते हो आप खुद को सुनते हो या कभी कभी खुद से भी बातें इंसान करता है अक्सर जब वो अकेला होता है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो व्यक्ति किससे करता है खुद से करता है स्वयं से करता है अक्सर ऐसा होता होगा कि जब आप खाली बैठते होंगे, तो आपके मन में कई बार विचार आते होंगे सही और गलत के बारे में आप सोचते होंगे वो क्या होता है वो इंट्रापर्सन कम्युनिकेशन होता है आपके अपने खुद के थॉट्स खुद के आइडियाज जब ये सारी चीजें आती हैं जैसे कि आप कभी कभी बोलते हो ओह माई गॉड या ओह oh नो no. ये सारे ना आपके जो वर्ड्स है ये एग्जामिनेशन में पूछता है कि माय माय गॉड गॉड हो गया या वाव wow हुआ थैंक गॉड हुआ ओ oh नो no हुआ ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन के इतनी बात समझ में आई यहां पे किसी को कोई दिक्कत कोई दुविधा कोई परेशानी कोई समस्या इंट्रा पर्सनल का कंसेप्ट क्लियर हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को होता है कंफ्यूजन जबरदस्त इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पॉज देकर के इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर किया अब इसी का जस्ट अपोजिट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि पारस्परिक संचार पारस्परिक संचार का मतलब ये हुआ अब यहां पे आप खुद से नहीं बात करेंगे अब यहां पे आप किसी और व्यक्ति से बात करेंगे यानी दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है इसीलिए यहां पे इसको डायडिक कम्युनिकेशन बोला गया डायडिक कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं द्वैत यहां पे देखिए हिंदी है क्योंकि थोड़ा सा ये पीडीएफ बड़ी थी मतलब स्लाइड में दोनों नहीं आ रहा था इसलिए मैंने इंग्लिश के बाद हिंदी डाल दिया है तो पार, पारस्परिक संचार में क्या होता है यहां पे द्वैत होता है द्वैत का मतलब यहां पे दो लोगों की आवश्यकता हो गई एक तो संदेश को भेजने वाला और एक संदेश को प्राप्त करने वाला तो जब दो लोग आमने सामने नियमित रूप से बैठ करके सार्वभौमिक तरीके से संचार करते हैं तो उसको हमने बोल दिया पारस्परिक संचार या डायडिक कम्युनिकेशन इंग्लिश में यह वर्ड है डायडिक इसको याद रखना इसको जब आप नोट्स बनाएंगे तो उसको आप हाईलाइट कर लेंगे ये एक यूनिवर्सल तरीका है यानी कि अधिकतर लोग इसी प्रकार का संचार का इस्तेमाल करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं ठीक है ना इतनी बात समझ में आई ये आपका औपचारिक भी हो सकता है और ये आपका अनौपचारिक भी हो सकता है दोनों हो सकता है जब आप दो लोगों से बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप फ्रेंडली वे में बात करें हो सकता है आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं जब आप अपने बॉस से या सुपीरियर से बात करेंगे तो वो फॉर्मल होगा जब आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सर्कल में बात करेंगे तो वो इनफॉर्मल होगा ये आपका वर्बल यानी कि मौखिक भी हो सकता है और अमौखिक भी हो सकता है दोनों ही प्रकार के आपके संचार के होने की यहाँ पे संभावना है ये आपके शब्दों में भी हो सकते हैं आवाज में भी हो सकता है फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे के हाव भाव से भी आप यहाँ पे संचार कर सकते हैं यानी कि स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में अक्सर दे, देखा होगा आपने मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था कि लड़की ने स्माइल किया लड़के को पता चल गया कि उसके मन में क्या चल रहा है या उधर से क्या एक साइन आ रहा है या सर ने कोई सवाल पूछा मैम ने कोई सवाल पूछा स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आपने क्या किया आपने हैंड को रेस कर दिया तो सर को पता चल गया या मैम को पता चल गया कि इतने स्टूडेंट्स को इस सवाल का जवाब मालूम है या मैंने किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट को खड़ा किया उससे पूछा उसने हेड को नोट गया यानी कि सिर को हिलाया और ये बताया कि उसको इस सवाल का जवाब आता है या नहीं आता है तो यहाँ पे क्या हुआ उसने जेस्टर के थ्रू या पोस्चर के थ्रू हमसे अपनी बात को रखी या हमसे बात किया ये क्या चीजें हैं ये दो लोगों के बीच में हो रहा है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन यही माना जाता है क्योंकि यहां पर हमें इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होगा जब वहां पे इमीडिएट फीडबैक मिलेगा यानी कि त्वरित प्रतिक्रिया मिलेगी इतनी बात समझ में आई यहां तक चीजें क्लियर हुई पेपर वन बिल्कुल फ्री है पंकज जी यहां तक चीजें समझ में आई यहीं पर बच्चे फंसते हैं क्वेश्चन भी यहीं से आता है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इन दोनों में कंफ्यूजन मत रखना पहले वाला आपका खुद से था दूसरे वाला दूसरे व्यक्ति से था यानी कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहां से और ये इसका एग्जाम्पल है यहां पर जैसे सेंडर हो गया रिसीवर हो गया और यहां पे फीडबैक है और ये आपका क्या हो गया ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हिंदी में अगर आप जाएंगे तो ये हो जाएगा द्वैत या इसका एक और नाम है क्या टू वे कम्युनिकेशन एक और नाम है इसका क्या नाम से आप परिचित रहिएगा अगर आप नाम से परिचित रहेंगे तो वो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा आप उसको कर ले जाओगे दूसरा हो गया क्या इंट्रा पर्सनल इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन अब थोड़ा सा आगे बढ़िए अगला देखिए अगला संचार है समूह संचार ग्रुप संचार ये अक्सर कहाँ होता है अक्सर आपके प्रोफेशनल लाइफ में होगा एजुकेशन बैकग्राउंड स्कूल कॉलेज में आप रहे होंगे या जब आप रिलीजियस जगह पे जाते हैं वहां पे एक समूह के लोग बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं क्योंकि उन लोगों का जो गोल होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक होता है अगर आप किसी संस्थान में काम करते हैं या किसी एक टेबल पे आप बैठे हुए हैं तो उस ऑफिस का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा उस कंपनी का अपना एक गोल होगा जिसपे कि आप चर्चा करते हैं जिसपे कि आप डिस्कशन करते हैं ये हो गया समूह संचार जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक लोग एक ही जगह पे बैठते हैं और उनका उद्देश्य एक होता है उनका ऑब्जेक्टिव उनका विजन एक होता है और वहां पे जो बातचीत होती है उसको हम बोलते हैं समूह संचार वहां पे जो गोल है वो कॉमन हो गया वहां पे जो गोल है वो कॉमन हो गया आपस में इंटरेक्शन करेंगे और वहां पर उस गोल को अचीव करने के लिए वो अपना पूरा शक्ति और सामर्थ्य को लगाने का प्रयास करेंगे एक ही वक्त में एक ही जगह दो या दो से अधिक लोगों का इकट्ठा होना और वहां पे बातचीत करना उद्देश्य का एक होना यहां पे क्या हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन अब इसी का एक एग्जाम्पल है ग्रुप कम्युनिकेशन का क्लासरूम कम्युनिकेशन क्लासरूम में क्या होता है शिक्षक होते हैं और कई सारे बच्चे होते हैं वहां पे शिक्षक का भी उद्देश्य होता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक को बच्चों को समझा देना बच्चे भी इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि उस लेसन के बारे में या उस टॉपिक के बारे में हम सर से या मैम से पढ़ लें तो ये भी आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन ग्रुप कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ये बात समझ में आई यहां तक चीजें क्लियर हुई यहां तक कोई समस्या यहां तक कोई समस्या कोई बोल रहा है मैम इंग्लिश में बोलिए कोई बोल रहा है मैम हिंदी में बोलिए इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मैं बोल रही हूं ऐसी कोई बात नहीं बोल रही जो आपको समझ ना आए यहां तक कोई समस्या कोई प्रॉब्लम क्लास का टाइम नौ बजे अगला कम्युनिकेशन का जो प्रकार है ये अभी हम रिलेशनशिप के आधार पर पढ़ रहे हैं अभी आगे हम चैनल के आधार पर पढ़ेंगे फिर पर्पज स्टाइल के आधार पर डायरेक्शन के आधार पर पढ़ेंगे अगला कम्युनिकेशन है आपका तीसरा क्या मास मीडिया कम्युनिकेशन मास मीडिया कम्युनिकेशन को हमने मीडिएटेड कम्युनिकेशन भी बोला है इस टर्म को आप अपने माइंड में रखना क्योंकि ये टर्म एग्जामिनेशन में पूछता है कि मीडिएटेड कम्युनिकेशन जो भी चीजें मैं आपको बोल रही हूं प्लीज पेन कॉपी लेकर के साथ में बढ़ना बैठना और स्टार मार्क्स बनाते चलना मीडिएटेड कम्युनिकेशन किसका टाइप है ये टाइप है आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन का ये स्पेशल तरीके का कम्युनिकेशन होता है जहां पे आप ऑडियंस को एड्रेस करते हो जैसे कि आप टीवी पे जब एक बैठते हो देखते हो आ, कि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो जब तो आप सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हो लाइव स्ट्रीमिंग जब होती है तो ये सारी चीजें क्या है ये सारी आपके मास मीडिया यानी कि इसमें आपकी मैगजीन आ जाएगी न्यूज पेपर आ जाएगा टेलीविजन रेडियो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ही आ जाएंगे इसमें ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके मास मीडिया के यहां पर मैकेनिकल डिवाइस का इस्तेमाल होता है यानी कि मशीनी यंत्र का इस्तेमाल होगा मैसेज को कन्वे करने के लिए यहां पे जो ऑडियंस होगी यानी कि जो जनता होगी वो हेट्रोजीनियस होगी नेचर के हेट्रोजीनियस का मतलब भारी मात्रा में लोग होंगे अधिक मात्रा में लोग होंगे और यहां पर जो सोर्स होगा यानी कि जो यहां पर इंफॉर्मेशन को देगा वो कौन कौन हो सकता है एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो सकता है क्योंकि ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है ना इंफॉर्मेशन को मास मीडिया आ गया ब्रॉडकास्ट करने का मतलब यह हुआ कि चाहे आप टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट कर लें चाहे आप रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कर लें चाहे आप किसी लाइव शो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट कर लें तो यहां पर या प्रोग्राम के माध्यम से ये आपके मास मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं इन एग्जाम्पल्स को अपने माइंड में रखना इसमें आपके सोशल सोशल मीडिया भी आ जाएगा इतनी बात समझ में आई हाँ जैसे मोदी जी करते हैं मन की बात मोदी जी करते हैं मन की बात ये आपका प्रिंट मीडिया भी हो सकता है मैगजीन भी हो सकता है न्यूज़पेपर भी हो सकता है न्यूज़पेपर आपका प्रिंट मीडिया में आ गया इसीलिए मैंने बोला प्रिंट मीडिया भी हो सकता है और मैकेनिकल भी हो सकता है मैकेनिकल माने टीवी रेडियो ये सारी चीज जिसमें कि यंत्र इस्तेमाल हो रहा है जिसमें मशीनें आ रही हैं इतनी बात समझ में आई दीप्ति जी हां और कोई बात कोई दिक्कत कोई दुविधा

यानी कि जब आपने बोल के किया इसमें आपके तीन चार चीजें आती हैं। पर वर्बल कम्युनिकेशन में तीन चार चीजें आती हैं पहला हो गया स्पीकिंग लिसनिंग राइटिंग रीडिंग और थिंकिंग ये सारे आपके मौखिक संवाद के प्रकार हैं या मौखिक संवाद के अंदर में ये चार पांच एलिमेंट्स आते हैं इन एलिमेंट्स को याद रखना प्रिंट मीडिया हुआ प्रिंट मीडिया हुआ ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहां से अगला है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब आप पिक्चर्स को देखते हो यानी कि किसी आपने चित्र को देखा आपने साइन को देख लिया यानी कि किसी संकेत को देखा जैसे आप रोड पे जा रहे हो तो नीली बत्ती लाल बत्ती हरी बत्ती ये होती है ना रेड लाइट होती है तो आपको पता चल जाता है कि अब आपको आगे नहीं जाना है ग्रीन लाइट होगी आपको मालूम है कि अब आगे जाना है आपको येलो लाइट का मतलब आप धीरे धीरे जा सकते हो ये क्या हुआ किसी ने आपसे कुछ कहा नहीं लेकिन एक साइन था जिसको देख करके आपने समझ लिया कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं जेस्चर के थ्रू यानी कि हाव भाव के थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जब लोग बातचीत करते हैं इंफॉर्मेशन को यानी कि सूचना को जब आप एक्सचेंज करते हैं ये हो गया क्या किसके आधार पर ये चैनल के आधार पर हो गया संचार इतनी बात समझ में आई यहां पर वर्डलेस मैसेज कन्वे किया जाता है यानी कि ऐसा संदेश जिसमें शब्द न हो लेकिन फिर भी मैसेज भेजा जाए तो जब शब्द नहीं है मैसेज को भेजा जा रहा है तो आप कैसे भेज सकते हो क्या और तरीके हैं तरीके हैं आपके जेस्चर तरीके हैं आपके मूवमेंट्स तरीके हैं आपके ऑब्जेक्ट लैंग्वेज ऑब्जेक्ट लैंग्वेज का एग्जाम्पल क्या हुआ पिक्चर्स हो गया क्लोथ हो गया कपड़े पे वो बड़े बड़े लिखे होते हैं ना वो साइन बने होते हैं कभी किसी अः पेट का सिंबल बना होता है किसी फ्लैग का सिंबल बना होता है आपको देख के समझ में आ जाता है कि ये इंडियन फ्लैग है इस टी शर्ट पे बना हुआ है या ये पिक्चर बनी हुई है तो इस पिक्चर का मतलब क्या है ये आपके ऑब्जेक्ट लैंग्वेज होते हैं इतनी बात समझ में आई यहां तक कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हाँ साइन वगैरह सब कुछ अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है तीन और अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है यानी कि बिना बोले आप कैसे संचार और कर सकते हो प्रोक्सिमिक से कर सकते हो ओलाफेटिक से कर सकते हो और क्रोनेमिक्स से कर सकते हो ठीक ओलाफे का मतलब हो गया मान लो खाना बना है खाना बना है और खाने में से स्मेल आ रही है कैसे जलने वाली खाना बोलेगा थोड़ी कि मैं जल गया हूं लेकिन आपको स्मेल से पता चल गया कि बाजू वाले कमरे में या किचन में वोटेवर जो खाना बन रहा है वो जल चुका है खाने की स्मेल बहुत अच्छी है तो आपको क्या लगता है स्मेल से पता चल जाता है कि ये खाना बहुत टेस्टी होगा राइट फ्रेग्रेंस परफ्यूम की स्मेल से आपको पता चल जाता है कि ये बेड स्मेल है या गुड स्मेल है तो जब आप स्मेल से सेंस करते हो किसी चीज को उसको बोलते हैं ओलाफेटिक्स क्या बोलते हैं ओलाफेक्टिक्स ये हो गया आपका जब यहाँ पे आप संचार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आप दो लोगों से बात करें पंचायत करें है ना वही संचार होता है ऐसा नहीं होता संचार के भी कई प्रकार हैं तो नॉन वर्बल भी उसमें से एक हिस्सा है उस, उसका एक पार्ट है कई बार पर्सनल स्पेस भी रिक्वायर्ड होता है किसी रिलेशनशिप में कई बार हम नहीं भी बोल करके बहुत सारी बातें बोल देते हैं चुप रह करके भी बहुत सारी बातें बोल देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमिक्स इसके अलावा क्रोनोमिक्स होता है क्रोनोमिक्स माने टाइम मान लो कि आप सुबह आए कितने बजे ऑफिस का टाइम है आपका मैं एक्जाम्पल आपको बता रही हूँ ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ और चीजें आपके दिमाग में रहे मतलब बजे आप पहुंचे नाइन थर्टी बॉस ने आपको कुछ बोला नहीं बॉस ने आपको कुछ नहीं बोला बस आपको घूरा और वहां से चला गया इसका मतलब क्या हुआ आप लेट पहुंचे आपको एक मैसेज मिल गया कि सामने वाला जो बंदा है वो अब नाराज है मेरा हाफ लगा सकता है या मेरी पेमेंट को रुकवा सकता है तो टाइम के वजह से कई बार क्या होता है हमने किसी को टाइम दिया होता है कि इस टाइम पे आना है ना आपको दस बजे आना है इस फले जगह पे आप नहीं आ रहे हो तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने पंक्चुअल हो किसी ने आपको बोला नहीं आपने किसी को बताया नहीं लेकिन पता चल जाता है ये क्या हुआ क्रोनमिक्स हुआ तो ओलाफेटिक्स क्रोनमिक्स प्रोक्समिक्स ये सारे एग्जाम्पल है किसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि एग्जाम में अगर ये तीनों वर्ड आपके सामने आते हैं प्रोक्सिमिक्स इसका हिंदी भी प्रोक्सिमिक्स ही होता है अगर आप इसका हिंदी मतलब ढूंढने जाओगे तो प्रोक्समिक्स ही होगा तो प्रोक्समिक्स ओलाफेक्टिक्स और क्रोनोमिक्स ये तीनों वर्ड आएंगे तो आप क्या वहां पे आंसर लगा के आओगे वर्बल या नॉन वर्बल बताओ वर्बल लगा के आओगे नॉन वर्बल लगा के आओगे देखो प्रोग्जेमिक्स को हमने बोल दिया व्यक्तिगत स्थान देना ओलाफेक्टिक्स को हमने बोल दिया गंध की भावना क्रोनमिक्स को हमने बोल दिया समय समय की बात ये तीनों आपके किस प्रकार के संचार हैं ये बता दो फटाफट से लिख दोगे तो आपके माइंड में रह जाएगा याद रहेगा आप लोगों को है ना नॉन वर्बल हो गया ना चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए नॉन वर्बल ठीक है थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे अगला कम्युनिकेशन का टाइप जो है मेटा कम्युनिकेशन मेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि सूक्ष्म संचार सूक्ष्म संचार का मतलब यहां पे जो वक्ता होता है वो शब्दों का चयन अनायास ही वास्तविक शब्दों की तुलना में कुछ अधिक संप्रेषित कर डालता है मतलब मतलब आप बोलना कुछ और चाहते हो और और बोल आप कुछ और रहे हो जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति को सामने से आता हुआ देखा इसको उदाहरण से समझिए आपने किसी व्यक्ति को सामने से आता हुआ देखा वो व्यक्ति आपका दुश्मन है आप उसको दो पैसे का हो पसंद नहीं करते हो मतलब उसको देखते हो तो अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि इसको मार डालो या खुद यहां से निकल जाओ इतना गंदा आदमी है वो इतनी नफरत करते हो आप उससे लेकिन क्या है आस पास दस लोग बैठे हुए तो आप बोल भी नहीं सकते कि कितने वाहियात आदमी हो हट जाओ और खुद दस लोग बैठे हुए तो उठ के जाओगे तो आप एक मैसेज नहीं देना चाहते उन लोगों को भी कि पता चले कि भाई आपकी उनकी नहीं बनती है है ना ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है तो आप क्या बोलते हो कई बार कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे व्यक्ति को जिसको नहीं चाहते हैं सामने से आता हुआ देखते हैं लेकिन फिर भी बोलते हैं भाई आप आए बड़ा अच्छा लगा कहाँ थे आप कैसे थे आप उससे बातचीत कर लेते हो अंदर से उस व्यक्ति से बात करने की इच्छा नहीं है मतलब आप जो बोल रहे हो एक्चुअली मैं आप उस चीज को मीन नहीं करते हो बोल कुछ और रहे हो सोच कुछ और रहे हो और वो मतलब कुछ और समझ रहा है वो अनशनली कुछ और ही कम्युनिकेट करता है एक्चुअल बोले गए शब्द से यानी कि मैं बोलूं भाई ग्लैड टू सी यू आपको देख के बड़ी खुशी हुई वास्तविकता में खुशी कितनी हुई तो मैं ही जान रही हूं बात समझ में आया या कई बार ऐसा होता है किसी को आपने देखा और देख करके आपने आंखें घुमाई और आपने एक मतलब कि अरे ये कौन व्यक्ति आ गया ये कैसे आ गया तो ये तरीका क्या हुआ ये साइकोलॉजिकली आप सामने से कुछ और दे रहे हो और सामने वाला व्यक्ति उसको किसी और तरीके से समझ रहा है इसको हमने बोला क्या मेटा कम्युनिकेशन ये चीज समझ में आई ये मतलब समझ में आया कि मेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है हाँ मेटा कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आ गया मेटा <coughs> कम्युनिकेशन का मतलब एक एग्जाम्पल इसका और है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है है ना और उसने बहुत बढ़िया ढंग से कपड़े वपड़े पहन रखे हैं एकदम बहुत बढ़िया दिख रहा है या दिख रही है और आपने उसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया कि अरे आज तो आप बड़े अच्छे लग रहे हो आज तो आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बढ़िया साड़ी पहन रखी है बढ़िया सूट डाल रखा है तो सामने वाला सोचे कर यार आज मैं बढ़िया लग रहा हूँ मतलब इसके और दिन में क्या कैसा लग रहा था अक्सर ऐसा कॉम्प्लीमेंट जब हस्बैंड अपनी वाइफ को देखते हैं कि आज बड़ी अच्छी लग रही हो तो पत्नियों के दिमाग में क्या आता है अरे आज ही अच्छी लग रही हो मतलब इस इसके पहले तक क्या लग रही थी इसके पहले आपने तारीफ नहीं की मेरी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुनने वाला व्यक्ति है जो सुनने वाला व्यक्ति है उस शब्द को सुन रहा है है ना वो उसको अलग तरीके से ले लेता है एक तो इसका और एग्जाम्पल हो गया इस प्रकार के एग्जाम्पल देकर के आपको सवाल जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में तो उदाहरण भी आप लिख लीजिएगा नोट्स में अपने एक दो उदाहरण आप लिख लेना आई हैव नेवर सीन यू सो स्मार्टली ड्रेस्ड ये इसका एक एग्जाम्पल है बात समझ में आई फ्लैटरिंग का मतलब हुआ चापलूसी करना मतलब आप जैसे आपने बॉस को देखा बॉस को आपको क्या करना है कि आप उसको तो फ्लैटरिंग रिमार्क दे रहे हो कि सर बॉस आपने आज जो ड्रेस पहना है बड़ा अच्छा लग रहा है अब अंदर ही अंदर गाली दे रहे हो कि वो हमारी सैलरी को काट काट करके बताओ हमारे बोनस को काट काट करके बढ़िया तुम इतना बढ़िया ड्रेस जो है खरीद के लेके आओ वो पहने हो है ना अंदर से तो ये बातें निकल रही है लेकिन सामने हम क्या बोल रहे हैं कि सर आपने तो जो ड्रेस ड्रेस पहना है बहुत स्मार्ट स्मार्ट लग रहे हो आप है ना सामने वाला भी एकदम खुश हो जाएगा अब अंदर तो कुछ और चल रहा है तो ये एक बात है अगला जो है कम्युनिकेशन का जो टाइप है या जो वर्गीकरण किया गया है वो है पर्पस के आधार पर या स्टाइल के आधार पर यहां तक चीजें समझ में आ गई पेपर टू के लिए एनरोलमेंट लेने के लिए आ, नवीन जी आपको जो नंबर दिया है उस पर उस पर इंक्वायरी कर सकते हैं और आप पेमेंट करके स्क्रीन भेज देंगे जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया मैंने एट वहां से आपका काम बन जाएगा ठीक है हाँ सार्केजम हो सकता है इसका एक एग्जाम्पल अगला जो है कम्युनिकेशन का टाइप है वो है पर्पज और स्टाइल के आधार पर और इसमें सबसे पहला है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन यानी कि औपचारिक संप्रेषण औपचारिक संचार जब औपचारिकता की बात आती है तो रूल्स की बात आती है तो नियम कानून की बात आती है रेगुलेशन की बात आएगी कुछ कन्वेंशन की बात आएगी वहां पे कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा मतलब आप सामने वाले से अगर अपनी बातें रख रहे हो तो आप एक नियम से उससे अपनी बात रखोगे मतलब अगर आपको आपके बॉस से बात करना है तो बॉस से बात करने के लिए आप एक चेन को फॉलो करोगे मतलब अगर बॉस के नीचे मान लो ऊपर आपका टॉप लेवल का मैनेजर बैठा है नीचे मिडिल लेवल है और आप वो बिल्कुल लो लेवल पे अगर आपको अपनी बात कोई बात बॉस को बोलनी है नहीं कि टॉप लेवल को बोलनी है तो आपको एक रूल फॉलो करना पड़ेगा आप लेटर मिल जाइए आप मेल में जाइए या आप मिडिल वाले को बोले मिडिल वाले से रिक्वेस्ट करिए कि वो टॉप वाले को बोले तो एक चेन आपको फॉलो करनी पड़ेगी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है ये अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है यानी कि मान लो जैसे कोई कंपनी है जियो कंपनी है फॉर एग्जाम्पल क्योंकि बड़ी कंपनी तो सब जानते हैं इसलिए इसका उदाहरण ले रही हूँ मान लो जियो कंपनी है अब जियो के तो बहुत सारे ब्रांचेस हैं ऑल ओवर इंडिया

सिस्टम उसका करने का उसी तरीके से 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 मतलब ये ये क्या हो हो रहा 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 है 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 ऊपर नीचे नीचे संचार संचार बह यानी कि जी को को कोई बात बात बोलनी के किसी आउटलेट से बात करना है, तो वो इस इस प्रोसेस को करेंगे Similarly, अगर आउटलेट वाले को, को कोई बात उन तक पहुंचानी है तो वो क्या करेगा एक प्रॉपर चेन को फॉलो करेगा उसको हमने क्या बोला अपवर्ड कम्युनिकेशन एक कम्युनिकेशन को करना यहाँ पे आप जब भी बात करोगे तो हमेशा कोशिश करोगे राइट लैंग्वेज का सही शब्द का सही भाषा का इस्तेमाल करके अब आप यार कह के या आप एक इनफॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते आपको बहुत ही रिस्पेक्टिव डिग्नेटरी वाले मैनर में बात करना होगा आगे आपका प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण जो होना चाहिए वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए जैसे कि अगर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो फॉर एक्जाम्पल समझो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए किसी कॉलेज के अब आपको उसी कॉलेज के एच से बात करना है तो कैसे बोलोगे फोन करके बोलोगे अरे यार कल मेरे को आना नहीं है मेरी तबियत खराब है मेरे को छुट्टी दे दो ऐसे बोलोगे क्या तो बोलेगा ऐसा है तुम्हारी कैजुअल लीव तो गई तेल लेने तुम्हारी दो दिन की तो जो सैलरी है वो भी काट रहा हूँ तो यहाँ पे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा या कॉलेज के प्रिंसिपल से आपको बात करनी है आप क्या करोगे एक फॉर्मल तरीके से आप उनको मैसेज करोगे या ई करोगे या अगर आपको लीव लेनी है तो उसका एक अप्रूवल लोगे या कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो आप सही तरीके से बोलोगे ये हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा इसी का जस्ट जो उल्टा यानी कि इसी का जस्ट जो अपोजिट है वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे कि आपने फेस टू फेस बात किया यहां पर आपने फ्रेंड से बात कर रहे हो फैमिलीज से आप बात कर रहे हो यानी कि जब आप किसी से इंप्लॉयिज हो गए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं इनफॉर्मल तरीके से चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे वो एक इनफॉर्मल जगह पे बैठे हुए हों तो यहाँ पर आपका इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक तरीके से बातचीत होती है कोई भी नियम कोई भी कानून या कोई भी रेगुलेशन नहीं फॉलो किया जाता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही हम बोलते हैं क्या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ये आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ें, पढ़ेंगे लेकिन फिर भी यहाँ पे हल्का सा ओवर व्यू ले लेते हैं ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन में क्या हो गया जैसे अंगूरी गुच्छा होता है अंगूर कैसा होता है गुच्छे में होता है ना अंगूर कैसा होता है अंगूर बिल्कुल कुछ इस तरीके से होता है जैसे मान लो ये अंगूर है कुछ इस तरीके से अंगूर होता है यहाँ पे क्या होता है सब आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं मतलब ये बंदा इससे बात कर सकता है ये बंदा इससे बात कर सकता है ये बंदा इससे बात कर सकता है कोई कोई भी किसी से भी बात कर सकता है जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में गए होंगे तो चार पांच लोग इकट्ठा हो जाते होंगे आपस में फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत करते हैं फैमिली हो गए फ्रेंड्स हो गए पार्टीज वगैरह में ये आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है यहाँ पे कई बार डिस्टॉर्शन भी होता है कई बार सामने वाला कुछ और बोल रहा होता है हम कुछ और समझ रहे होते हैं है ना और मजा मस्ती भी होती है तो नॉइज भी होता है बहुत सारी चीजें होती हैं इसलिए इसको हम ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि ग्रे जैसे गुच्छा होता है ना बिल्कुल अंगूर का एक गुच्छा होता है तो हर व्यक्ति बैठा होता है समूह में उस, उसी तरीके से इसीलिए इसको हमने ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन भी बोल दिया यहां तक चीजें समझ में आई यहां तक कोई प्रॉब्लम यहाँ यहां पे कोई दिक्कत जल्दी हो जाएगा जल्दी हो जाएगा मद्री राजपूत जी यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई इशू थोड़ा सा आगे बढ़े यहां से आगे बढ़े चलो ये है आपका हिंदी में हिंदी में जो लिखा है आप, आप नोट्स बना लीजिएगा कि दोस्तों और परिवार के बीच में जब बातचीत होती है या जब आमने सामने बैठे हैं इशारों से बातचीत हो रही है या कोई भी किसी भी प्रकार का औपचारिक जो है नियम वो फॉलो ना किया जाए आ, वहां पर क्या होता है अनौपचारिक संचार होता है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हम वर्गीकरण जो संचार का किया गया है डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर तो जब हम दिशा के आधार पर बात करते हैं तो दो प्रकार का यहाँ पे संचार होता है एक होता है वर्टिकल यानी कि लंबवत संचार लंबवत संचार आपका अगेन फॉर्मल कम्युनिकेशन का एक प्रकार होता है मूल रूप से यहाँ पे जिस प्रकार से बातें करी जाती हैं या कही जाती हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं जिसको आप अपवर्ड भी बोलते हो या डाउनवर्ड भी बोलते हो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोई भी संस्था ले लीजिए या कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अब ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे एक पूरा उनका हराकी होती है जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि यहाँ पे आपके सीईओ होते हैं जिसको आप बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसके बाद में आपके फाइनेंस जो है ऑफिसर होते हैं उसके बाद में आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं जैसे कि आपका एच डिपार्टमेंट हो सकता है उसके बाद में आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है फिर आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकते हैं इनके नीचे भी होते हैं इनके जो असिस्टेंट होते हैं असिस्टेंट के भी नीचे होते हैं लोअर लेवल के व्यक्ति जो यहां पे काम कर रहे होते हैं तो ये एक पूरी चेन होती है एक पूरी होती है इसके अलावा भी बीच में और भी बहुत सारे लोग होते हैं फिलहाल समझने के लिए ये आप चेन इतना समझना काफी है यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं यहाँ पे जो भी संचार हो रहा है ये ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रहा है तो इसको हमने बोल दिया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन सीईओ को जब भी कोई बात अपनी बोलनी है लोअर लेवल तक और एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो बोलता है तो उसको हमने बोल दिया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को हमने टॉप टू बॉटम बोल दिया क्यों क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो टॉप से शुरू हो रहा है ऊपर से शुरू हो रहा है और बॉटम यानी कि बिल्कुल नीचे जा रहा है इसीलिए हमने ऊपर से नीचे की तरफ या ऊपर से नीचे की ओर होने वाला संचार बोला और बॉटम टू अप इसी का जस्ट उल्टा होता है जिसको आप अपवर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हो यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या लोअर लेवल से जब अपर लेवल की तरफ बातें जा रही हैं तो वो हो गया आपका वो हो गया आपका क्या अपवर्ड कम्युनिकेशन चूंकि यहां पर जो संचार हो रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है मतलब एक रैखिक हो रहा है एक लाइन में हो रहा है इसीलिए इसको हमने लंबवत बोल दिया यानी कि लंबाई में जब संचार हो यानी कि जब वर्टिकल कम्युनिकेशन हो लंबाई का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर वो कुछ भी हो सकता है बस वो लंबाई में होना चाहिए यानी कि वो एक लाइन में होना चाहिए यहां तक प्रॉब्लम समझ में आई ये कंसेप्ट समझ में आया अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए जिसको हमने बोला क्या लेटरल कम्युनिकेशन लेटरल कम्युनिकेशन का एक और नाम है हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन जिसको आप क्या बोलते हैं पाशर्व संचार या क्षेत्र संचार यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे संचार अपने सहकर्मियों के साथ में होता है या अपने ही स्तर के लोगों से जब आप बातचीत करते हैं यानी कि मान लीजिए डिपार्टमेंट है कोई है ना ये है आपका डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट में कई शाखाएं हैं जिसमें से आपका एचआर ये हो गया मार्केटिंग हो गया प्रोडक्शन हो गया के बाद में आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया है ना अब एचआर वाला जब मार्केटिंग से बात करे मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन वाले से बात करे प्रोडक्शन वाला एचआर से बात करे एचआर वाला फाइनेंस से बात करे तीनों जो है एक ही सेगमेंट पर है तीनों सहकर्मी हैं तीनों का स्तर एक जैसा है इसीलिए इसको हमने पाशर्व या संचार बोल दिया यानी कि इसको हमने लेटरल या हॉरिजॉन्टल बोल दिया जब कम्युनिकेशन सेम लेवल पे चल रहा है पियर्स से जब आप बात करते हो जब आप कलीग से आप बात कर रहे हैं तो यहां पर आपका हॉरिजोंटल कम्युनिकेशन हो जाएगा यहां पे आपका फॉर्मल भी हो सकता है इनफॉर्मल भी हो सकता है दोनों ही तरीका हो सकता है यहाँ पे जो कमांड होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता यहाँ पे बिल्डिंग टीम बिल्डिंग का काम होता है यानी कि जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो सेम एक स्तर के लोग हैं वो बैठ करके आपस आप में बातचीत कर रहे हैं तो वो टीम होते हैं एक तरीके से है ना वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं और वहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग बैठ करके आपस आप में कॉमन गोल पर डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वो हो गया आपका हॉरिजोनल कम्युनिकेशन ये बात समझ में आई यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या हाँ जब जब एक टीचर टीचर से कम्युनिकेशन कर रहा है रमन जी बिल्कुल सही बोला आपने जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे हो सभी स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट से कि मान लीजिए के बलहारा जी शगुफ्ता से बात कर रहे हैं शर्मा जी शिल्पा जी से बात कर रहे हैं कुलविंदर जी मान लीजिए शर्मा जी से बात कर रहे हैं है ना तो ये क्या हो रहा है ये एक आप लोग सब लोग सेम हो ना तो सेम लेवल का कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ तक कोई समस्या अब है नेक्स्ट डायगोनल कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन ये आप दिशा के आधार पर पढ़ रहे हो है ना डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या हुआ यहाँ पे हायरारकी नहीं होती यहाँ पे इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री फ्लो होता है अक्रॉस पोजीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई यहाँ पे बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है कोई भी किसी से भी बात कर सकता है यहाँ पे अगर टॉप बैठा हुआ है कोई पर्सन कोई यहाँ पे मिडिल पर बैठा हुआ है कोई लो लेवल पे बैठा हुआ है कोई यहाँ पे अगर कस्टमर भी है ठीक है या कोई सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा है आपस में कोई भी बात करता कर सकता है किसी से भी डायगोनल कम्युनिकेशन हो रहा है बिल्कुल पर क्रॉस में कम्युनिकेशन हो रहा है परचेज वाला इनसे बात कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला इनसे बात कर सकता है फाइनेंस वाला प्रोडक्शन से बात कर सकता है मतलब ये एक ऐसा लेवल है जहां पे किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन हो सकता है कोई भी किसी भी तरीके से बातचीत कर सकता है इसको हमने विकर्ण संचार बोल दिया ये काफी प्रभावी होता है क्यों क्योंकि मान लो अगर कोई बात मुझे परचेज वाले से बोलनी है है ना प्रोडक्शन टीम को अगर परचेज वाले से बात बोलनी है बट अगर वो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर करने का कोशिश करेगा तो शायद बहुत लेट हो जाएगा अब पता चला कोई पेमेंट मुझे रुकवाना है मान लो कोई पेमेंट है मुझे रुकवाना है उसको मैं तो, मैं हूँ क्या एकदम टॉप लेवल पे मैं बैठी हुई हूँ कोई पेमेंट मुझे रुकवाना है अब पता चला कि पेमेंट रुकवाने के प्रोसेस पे मैं जाऊंगी इनसे बोलूंगी फिर इनसे बोलूंगी फिर इनसे बोलूंगी उतने में तो पेमेंट हो जाएगा तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगी फाइनेंस टीम को कॉन्टैक्ट करूंगी और बोलूंगी यहाँ पेमेंट नहीं लेना है तो क्या हुआ इमीडिएट फीडबैक हो गया मतलब जो डायग्नल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे जो रिलेशनशिप होता है जो बॉन्ड होता है सुपीरियर और सब का बहुत अच्छा होता है बहुत स्ट्रांग होता है और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लो होता है और यहाँ पे कोई स्टेटस पोजिशन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है बहुत फास्ट होता है ये बात याद रहेगी आपको एग्जाम में अगर सवाल आपसे पूछा कि कौन से प्रकार के कम्युनिकेशन में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है या ज्यादा जल्दी से बात होगा तो हमेशा याद रखना जो भी उसमें ऑप्शन दिया रहेगा कैलकुलेट तरीके से सोचना जितने बेरियर्स होंगे जितने लेवल्स होंगे कम्युनिकेशन उतना ही डिफिकल्ट होगा वन टू वन कम्युनिकेशन फास्ट होगा और फीडबैक भी जल्दी आएगा यहां तक चीज समझ में आई अगला जो कम्युनिकेशन है वो है पर्सनल कम्युनिकेशन रोहित जी बोल रहे हैं मैम आप तो क्लास को मत रुकेगा बाकी सब रोक दीजिएगा मतलब हम भूख प्यास खाना प, खाना पानी और मतलब सारा काम छोड़ छाड़ के हम मतलब चार बारह बारह घंटे क्लास लगा दें बस मतलब मजाक के अलावा है ना ऐसे क्या ही करोगे मतलब ऐसी चीजें आप पढ़ोगे तो बाउंस भी जाएंगे फिर पैंतालीस मिनट एक घंटे क्लास मुझे लगता है ना वैसे मजाक है मजा ये कोशिश भे मेरी यही है कि आप लोगों को ज्यादा ज़्यादा कंटेंट दिया जाए अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया जाए बाकी अगर आप लोग अपना दिमाग खोल करके बैठे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को सारी बात सारे पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे से समझ में आए ठीक आगे पढ़ेंगे गैंग प्लान के बारे में है ना कुशल जी और uh, स्केलर चेन के भी बारे में आगे पढ़ेंगे सारी चीजें हैं इसमें थोड़ा थोड़ा टाइम दिए आगे भागीए मत बिल्कुल प्रोसेस से चलिए अभी हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं स्केलर चेन में ये सारी चीजें आगे आएंगी पर्सनल कम्युनिकेशन को हमने बोला व्यक्तिगत संचार जब आप प्राइवेट लेटर के थ्रू मेमोज के थ्रू ई के थ्रू पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू या टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन के थ्रू जब आप बातचीत करते हैं तो इसको हमने बोल दिया व्यक्तिगत संचार यहाँ पे हम जिस व्यक्ति को बात जिस व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं सिर्फ उसी को वो बात मालूम होती है जैसे कि अगर हमने आपको ईमेल भेजा जैसे मान लीजिए हमने गणेश जी को ईमेल भेजा तो ये बात गणेश जी तक ही जाएगी या गिरीश जी से हमने कोई बात बोली या रितु जी से हमने कोई बात बोली तो यहाँ पर हमने रितु को अगर मैसेज किया है तो बात रितु तक ही जाएगी अगर मेरी बात मनीष जी से हो रही है टेलीफोन पे तो मेरे और मनीष जी के बीच में बात हो रही है तो ये होगा पर्सनल कम्युनिकेशन जहां पे तीसरा व्यक्ति नहीं है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन रखी जाती है जब हम पर्सनल इंटरव्यू करते हैं मान लीजिए कि गणेश प्रसाद यादव जी से मैं कर रही हूँ पर्सनल इंटरव्यू उनसे उनके बारे में पूछ रही हूँ कंपनी में जब आप जॉब लेने जाते हैं तो वहां पे आप इंटरव्यू देते हो ना पर्सनल वो क्या हुआ वो हो गया आपका पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि व्यक्ति व्यक्तिगत तरीके से संचार कर रहा है चाहे वो पत्र के माध्यम से हो चाहे ईमेल या साक्षात्कार के माध्यम से हो है ना ये चीज समझ में आई थोड़ा सा आगे बढ़ें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बात बताओ जो बोलने का स्पीड है वो बहुत फास्ट तो नहीं है ना मतलब अगर फास्ट है तो थोड़ा सा स्लो चलेंगे हम गणेश जी बोल रहे हैं थोड़ा स्लो चलिए नंदनी जी बिल्कुल सही समय पे हो जाएगा निश्चिंत रहिए उसके लिए तीन महीने में नहीं होगा तो चार महीने में हो जाएगा एग्जामिनेशन आपका जून से पहले होना नहीं है मैं चाहूँ तो इस क्लास को आ, मतलब इस यूनिट को मैं दो दिन की क्लास में भी खत्म कर सकती हूँ लेकिन मैं आपके लेवल तक समझाने का प्रयास कर रही हूँ ताकि चीजें धीमे धीमे ही चले लेकिन बढ़िया ढंग से आप लोगों के दिमाग में वो चीजें बैठ जाए और इस टॉपिक को दोबारा ना पढ़ना पड़े आप लोगों को इस तरीके से इसलिए हम लोग उसको कर रहे हैं मतलब इस यूनिट को मैं चाहू तो दो से तीन दिन में मैक्स खत्म कर सकती हूँ पढ़ा करके बट हम लोग पे डिटेल में चीजों को समझ रहे हैं रिवीजन जब हम करेंगे तो फास्ट फास्ट पढ़ेंगे अभी हम लोग रिवीजन भी करेंगे मतलब जब ये यूनिट आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी तो रिवीजन वाले मोड में भी आएंगे हम लोग वहां पे सारी चीजों को हम लोग क्रक्स वे में समझेंगे जो नोट्स आप अभी बना रहे हो है ना वो नोट्स फिर आप लेकर के बैठोगे और फिर मैं बोलूंगी फिर आपको सारी चीजें बस ऐसे सरसरी निगाह से आगे आगे करना रहेगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया स्पीड सही है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि आप और आपका दोस्त जब एक ही वक्त में बैठे हो बात कर रहे हो अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो, कर रहे रहे हो तो ये आपके पर्सनल कम्युनिकेशन के प्रकार हो बातचीत अब ये दो लोग बात कर रहे हैं तो जब मियाँ बीवी है राजी तो क्या करेगा काजी मतलब दो लोगों के बीच में काजी की तो आवश्यकता है नहीं पता चला कि वो लोग कुछ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं और आप बीच में कूद गए और मामला गड़बड़ आपने कर दिया तो व्यक्तिगत संचार तो ये दो लोगों के बीच में होता है और कॉन्फिडेंशियल होता है यानी कि गुप्त बातें होती हैं बिल्कुल सामने वाले से हमें जो बात करनी है फिर सामने वाले से ही हम बात करना चाहते हैं वो बात अगला है इनपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि इसको हम बोलते हैं अव्यक्तिक संचार यानी कि ये पर्सनल कम्युनिकेशन का बिल्कुल अपोजिट है यहां पर आप इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू डू नॉट पर्सनली नो द पर्सन यू आर स्पीकिंग टू मतलब आप जिससे बात कर रहे हैं आपको एक्चुअली में नहीं पता होता है कि आप uh, किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं आप जस्ट उसे मिले होते हैं जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में गए है ना ट्रेन में आप गए और कोई व्यक्ति आपके बगल में बैठा हुआ है आप उस पे बैठे और थोड़ा बहुत हालचाल होना शुरू हुआ फिर बातें होना शुरू हो गई वो व्यक्ति भी नया था

ना? तो उसने क्या कि आपको बता दिया रास्ता इधर है और वो आपको नहीं जान रहा है आप उसको नहीं जान रहे हो ये कैसा कम्युनिकेशन हुआ एक दूसरे से मिलना भी नहीं है कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से आपने बात कर लिया बिल्कुल सही आप रखा जी ने तो ये क्या हुआ आपका इमर्सनल कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया ऋषिका जी बहुत बढ़िया और आ, हाँ जैसे आप रात चलते हुए आप गए चाय वाले से बोला आपने चाय बना करके दे दो सामने वाले ने चाय बना के आपको दी रास्ता आपने पूछ लिया बात खत्म हो गई तो ये हो गया आपका अव्यक्तिक संचार अब एक कंसेप्ट है आपका निमोनिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है निमोनिक्स का निमोनिक्स का मतलब क्या होता है इसको रटो घोटो याद करो कैसे करो आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बस जाना चाहिए इसको हम बोलते हैं स्मृति विज्ञान निमोनिक्स को हमने बोल दिया स्मृति विज्ञान मतलब कि मतलब कि निमोनिक्स क्या होता है एक तरीके का मेमोरी डिवाइस होता है जो कि लर्नर्स को हेल्प करता है बड़े बड़े इंफॉर्मेशन को लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए मतलब समझ में नहीं आया होगा आपको कि इसका मतलब क्या हुआ अब जैसे कि मान लीजिए पहले तो समझिए निमोनिक्स का कंसेप्ट दिया किसने था ये दिया था जीड आर मिलर ने दिया था नाइनटीन में मतलब शॉर्ट फॉर्म बना लेते हो मान लो कोई एक कंसेप्ट है पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा मान लीजिए कोई कंसेप्ट है बहुत बड़ा है एक पैराग्राफ है रटने जाओगे तो याद नहीं होगा बट वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है तो आपने क्या किया उसका की बना लिया कोई स्टेप है मान लीजिए कोई प्रोसीजर है मान लीजिए उस प्रोसीजर का आपने क्या बना लिया शुरुआत के वर्ड्स को आपने इकट्ठा कर लिया और आपने एक शब्द बना लिया अब उस शब्द से आपको पूरा स्टेप याद हो गया जैसे कि मान लीजिए ब्रास बी आर ए एस एस ब्रास एक आपने क्या बना लिया शॉर्ट फॉर्म बना लिया है ना लेकिन ब्रास का मतलब क्या होता है ब्रास का मतलब बी से मतलब हुआ ब्रीद यानी कि सांस लेना आर का मतलब हुआ रिलैक्स यानी कि शांत रहना ए का मतलब हुआ एम यानी कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना साइट यानी कि सामने देखना और स्क्वीज स्क्वीज का मतलब क्या हुआ यहां पे उस चीज को निचोड़ना यानी कि या शूट करना तो ये क्या हुआ ये राइफल को यूज करने का शॉर्ट ट्रिक है या स्टेप है पहले आप ब्रीथ करिए सांस लीजिए फिर ठहराव लाइए एम को देखिए साइट देखिए फिर आप शूट करिए ये क्या है शूट नहीं स्क्वीज नहीं होगा शूट होगा ये क्या हुआ इसका मतलब ये आपने कोई एक मतलब जैसे कि आप ये समझिए ना कोई भी एक इंफॉर्मेशन है या कोई भी चीज लर्निंग है तो आपने उस कॉन्टेक्स्ट को वर्ड के फॉर्म में नंबर के फॉर्म में या फैक्ट के फॉर्म में मेमोराइज करने के लिए उसको याद रख लिया मान लो कोई स्टेप है है ना कोई जैसे कम्युनिकेशन का प्रोसेस ही है या कम्युनिकेशन का स्टेप है कैरेक्टरिस्टिक्स है कोई स्टेजेस है पार्ट्स है फेजेस को उसका आपने शॉर्ट फॉर्म बना लिया शॉर्ट फॉर्म बना लिया ताकि वो आपको याद रहे अब ये शॉर्ट फॉर्म आप चाहें तो शब्दों के साथ बना सकते हो नंबर्स के साथ में बना सकते हो या किसी फैक्ट के साथ में बना सकते हो इसको हम बोलते हैं निमोनिक्स यानी कि वो आपको याद रहे इसलिए आपने शॉर्ट फॉर्म बना लिया और हिंदी में इसको हमने बोल दिया स्मृति विज्ञान आपकी स्मृतियों में वो चीज रहे इसलिए आपने उसको किसी चीज से जोड़ लिया अक्सर क्या होता है कि मान लो कोई एक मान लो कोई किसी एक समय में कोई घटना हुई है नाइनटीन में कोई एक घटना हुई है फॉर एग्जाम्पल ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं इस घटना को न भूलू इसलिए मैंने क्या कर लिया अब मैंने अपने जन्मतिथि से इस घटना को जोड़ दिया कि जब मैं पैदा हुई थी उसके छह साल पहले या छह साल बाद यह घटना हुई थी अब मैंने अपने बर्थ डेट से इस डेट को जोड़ दिया तो अब मुझे याद रहेगा है ना अब मुझे ये कंटेक्स ये टाइम ये डेट याद रहेगा लोग ऐसे भी याद करते हैं तो किसी आप नंबर वर्ड या फैक्ट को किसी कंटेक्स्ट से जोड़ देते हो ताकि वो आपको रिकॉल करने में इजी हो इसको हम बोलते हैं निमोनिक्स ये कंसेप्ट समझ में आ गया हाँ किसी कोड के फॉर्म में ट्रिक बनाना निमोनिक्स बनाना किसी कोड के फॉर्म में याद रखना इतनी बात समझ में आई हाल से फून है फून है फोन क्या है ये आपका स्टेप है इंडियन लॉजिक में आपका कंसेप्ट है उसी का ये स्टेप है यहां तक कोई समस्या चलिए बहुत बढ़िया लिए एक बार आप सर्च कर लें आपको कोई ना कोई मिली जाएगा निरुपमा जी और सेट का भी फॉर्म भर दीजिएगा आरजे सेट का कोई दिक्कत नहीं है लगभग एक ही जैसा सिलेबस होता है नेट का और सेट का चलिए बहुत बढ़िया खुशबू जी बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए तो रिपीट करने में देखिए जब आप किसी चीज को याद करने के लिए शॉर्ट फॉर्म बना लेते हो या वर्ड्स के फॉर्म में नंबर के फॉर्म में या फैक्ट जो भी आपको याद करना है उसका आपने कोई शॉर्ट फॉर्म बना लिया उसको हमने बोला क्या निमोनिक बोलिया बोल दिया मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई एक इन्फॉर्मेशन है, है जो बहुत लंबी है जो बहुत बड़ी है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो आपको याद नहीं हो रही है तो या कोई स्टेप है जो आपको याद नहीं हो रहा है तो आपने उसका एक की बना लिया उसकी शॉर्ट ट्रिक बना लिया और शॉर्ट ट्रिक बना करके फिर आपने उसको याद करने की कोशिश किया इसी को हमने बोला निमोनिक्स जनरली इसको किसी इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब चलिए अगला देखिए अब कम्युनिकेशन में एक आपका एजेंसी पेयर भी आता है एग्जामिनेशन में आपको ये क्वेश्चन पूछता है मान कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सेप्टेंस है ये क्या है ये आपके एडजेंसेंस पेयर है अब इसको आप समझिए जब संचार करने के कई सारे नियम होते हैं संचार करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में गए मतलब इस कंसेप्ट को आप प्रैक्टिकली समझिए स्कूल में गए आप कॉलेज में गए आपके सामने से टीचर एक आ रहा है एक शिक्षक आ रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे भाग जाओ या हम आ गए सर ऐसे बोलोगे क्या बोलते हो सबसे पहले आप ग्रीट करते हो उनको गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम यही बोलते हो ना सामने वाला क्या बोलेगा आपको चल ले निकल ले ऐसा बोलेगा नहीं वो भी आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून जो भी टाइम रहेगा ये क्या हुआ ये एडजेसेंट एडजेर हुए यानी कि कम्युनिकेशन के कुछ नियम होते हैं एक्चुअली में जो हमें हम नहीं सोचते हैं बट वो होता है बाई डिफॉल्ट जैसे कि आपने किसी को थैंक यू बोला आप गए किसी शॉप पे आपने सामान लिया आपने किसी को थैंक यू बोला सामने वाला आपको क्या बोलता है माय प्लेजर सर आप किसी शॉप पे गए आपने वहां से कोई सामान खरीदा आपने उसको थैंक यू धन्यवाद दिया तो उन्होंने क्या बोला उन्होंने या तो आपको उल्टे में धन्यवाद बोला कॉम्प्लीमेंट दिया या उन्होंने आपको माई प्लेजर बोला ये क्या है ये एडजेंट जोड़े हैं इसको हम बोलते हैं कि कम्युनिकेशन के संचार के कुछ जोड़े शब्द होते हैं जैसे आप किसी को हेलो बोलोगे कॉम्प्लीमेंट बोलेगा? बोलेगा, तो करोगे तो जैसे आप मैं आपको बोलूंगी आप बहुत सुंदर लग रहे हो अगर मैं बोलूं सपना जी को सपना आप बहुत अच्छे लग रहे हो या राठौर धनिया जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो आप क्या बोलोगे थैंक यू सर या आप बोलोगे सर आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो थैंक यू सो मच है ना तो ये क्या है ये एक्चुअली में आपने कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट किया और बदले में मुझे भी कॉम्प्लीमेंट दिया ये क्या है ये कम्युनिकेशन के कुछ नियम होते हैं या तरीके होते हैं बोलने के स्ट्रक्चर होता है कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल करने का जैसे कि इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एग्जाम्पल्स देख लीजिए जैसे कि अगर मैंने आपको ग्रीट किया तो बदले में आप भी ग्रीट करोगे मैंने शिवानी को गुड मॉर्निंग बोला शिवानी ने भी मुझे गुड मॉर्निंग बोला आपने सॉरी बोला तो देखो सॉरी बोला और मैंने अगर इट्स ओके okay बोला तो ये आपका ये आपका किस में चला जाएगा ये आपका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन वाले में चला जाएगा है ना आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे माफ कर दो मैंने आपको ग्रांट कर दिया कि ठीक है सर मैंने आपको माफ कर दिया इट्स ओके okay. मैंने आपको उल्टे में सॉरी नहीं बोला तो ये तरीका होता है अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं तो आप मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अगर क्वेश्चन है तो आपको मेरे को आंसर देना पड़ेगा अगर मैं आपको इन्विटेशन दे रही हूं मैं बोल रही हूं कि आज बाबा ने शंकर जी आज मेरे यहाँ बर्थडे है है ना आपको आना है या फली डेट को शादी है आपको आना है तो आप क्या बोलोगे गुड आफ्टरनून मैम ऐसा बोलोगे या कुछ और बोलोगे आप बोलोगे कि हाँ सर या तो मैं आ पाऊंगा या तो मैं नहीं आ पाऊंगा मतलब इन्विटेशन में ग्रीटिंग नहीं हो सकता इन्विटेशन को या तो आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ सर मैं आऊंगा या हाँ मैं मैं आऊंगी है ना या बोलोगे नहीं मैं नहीं आ सकता ठीक इतनी बात समझ में आई राजस्थान सेट का फॉर्म आएगा तो बता दूंगी मैं आशू जी ठीक सेट के फॉर्म के बारे में एक सेपरेटली वीडियो बन जाएगा साधना जी उसके बारे में आपको बता दूंगी जो भी आपके टॉपिक के अलावा क्वेश्चन है उसको आप लास्ट के फाइव मिनट्स में पूछिएगा है ना जैसे धन्यवाद और आभार है शुभांशु जी बहुत सही बिल्कुल तो हम <coughs> वेलकम त्रिवेदी जी तो ये बात समझ में आया जैसे कोई बाय कोई जा रहा है तो आप उसको वेलकम नहीं बोलोगे कोई बाय कर रहा है तो आप इसको करोगे या जल्दी आना ऐसा बोल सकते हो तो फेयरवेल का फेयरवेल होगा ऑफर अगर आप किसी को दे रहे हो है ना कि मैं आपको रुपए का ऑफर दे रही हूँ काम करो तो आप क्या बोलोगे काम करना है या, निक... या तो आप एक्सेप्ट करोगे या आप रिजेक्ट करोगे ये आपके पेयर है और सेकेंड पेयर है उसके कॉन्वर्जेशन के इसको हमने क्या बोला एडजेसेंट पेयर अब एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आता है जो कि बिल्कुल आता है तो यहां पर आप इसको ध्यान में रखना कि अगर आपको सामने से कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ऑफर रिक्वेस्ट फेयर लिमिटेशन क्वेश्चन ग्रीटिंग आपके पेयर है यहां तक चीजें समझ में आई यहां तक कोई समस्या कोई दुविधा हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया सभी प्रकार के जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं ऑल द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वर्गीकरण के आधार पर और वैसे भी यहां पे आपका कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अगला जो आपका टॉपिक है वो है संचार की विशेषताएं फटाफट से इसको हम देखेंगे क्योंकि हमने अभी तक काफी कुछ पढ़ लिया है तो संचार की जो पहली विशेषता है कि दो लोग होने चाहिए एटलीस्ट यानी कि दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है ये संचार का पहला लक्षण है थोड़ा सा फटाफट से चलेंगे यहां से है ना तो संचार का जो पहला और मुख्य लक्षण है वो ये कि मिनिमम दो लोग होने चाहिए और दूसरा लक्षण है कि मैसेज होना चाहिए संचार करने के लिए कोई संदेश होना चाहिए कोई सूचना होनी चाहिए कोई बात होनी चाहिए कोई जानकारी होनी चाहिए कुछ तो होना चाहिए संचार करने के लिए उसके बाद में संचार आपका रिटर्न भी हो सकता है यानी कि लिखित भी हो सकता है मौखिक भी हो सकता है और इशारों के भी माध्यम से हो सकता है तो ये विशेषता नंबर तीन है विशेषता नंबर चार है कि संचार हमेशा आपका टू वे होगा यानी कि दो तरफा प्रतिक्रिया होगी और सामने वाला बोलेगा तो एक व्यक्ति सुनेगा और एक व्यक्ति बोल रहा है तो सामने वाला उस चीज को सुनेगा एक तरफा संचार नहीं हो सकता अगर एक तरफा वो संचार है तो फिर वो क्या हो गया आपका खुद से बात करना वो अलग ही कंसेप्ट हो गया है ना कम्युनिकेशन हमेशा टू वे प्रोसेस है वो एक प्रक्रिया है तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि सामने वाला उस बात को समझ ना ले इसको अगला व्यक्ति समझाने की कोशिश कर रहा है अगला इसका जो यहाँ पे लक्षण है या जो विशेषताएं हैं, है हैं वो ये कि प्राइमरी पर्पस है मोटिवेट करना प्रा, प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स यानी कि फीडबैक लेना सामने वाले से या उसका रिस्पॉन्स लेना सामने वाले से ये एक प्राइमरी पर्पस है किसका संचार का यहां तक चीजें समझ में आई अगला जो यहां पे है, अगली जो है कम्युनिकेशन की वो ये कि ये फॉर्मल भी हो सकता है और ये इनफॉर्मल भी हो सकता है यानी कि ये अनौपचारिक दोनों ही हो सकता है इसके अलावा जो अगली विशेषता है वो ये कि ये अपवर्ड भी हो सकता है डाउनवर्ड भी हो सकता है साइड टू साइड भी हो सकता है यानी कि टॉप टू बॉटम हो सकता है बॉटम टू टॉप हो सकता है या वर्टिकल हो सकता है और हॉरिजॉन्टल हो सकता है दोनों ही हो सकता है जिसको हमने बोला पाशर्व भी हो सकता है क्षैतिज भी हो सकता है ठीक ये चीजें समझ में आई अगला है और लास्ट है कि ये आंतरिक पार्ट है आंतरिक हिस्सा है किसका प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज का यानी कि जब आप सामने वाले व्यक्ति से अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस आइडियाज को जब आप एक्सचेंज करते हैं फीलिंग्स तो इंसान के अंदर होती है इमोशंस भी इंसान के अंदर होते हैं आइडिया भी आपके खोपड़े के अंदर होता है ज्ञान भी आपके मन मस्तिष्क में होता है और दो व्यक्तियों के बीच में जब आप साझा कर रहे होते हो इसीलिए हमने क्या बोला ये आंतरिक पार्ट हो गया इंटीग्रल पार्ट हो गया यानी कि अभिन्न अंग है एक ऐसा चीज जिसको आप अलग नहीं कर सकते तो चाहे विचार कह लीजिए भावनाएं कह लीजिए या ज्ञान कह लीजिए जब आप इनका आदान प्रदान करते हैं दो या दो से अधिक के बीच में तो ये आपका संचार की एक विशेषता है यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन और हमारा जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन को करेंगे प्रभावी संचार के सात सी क्या होते हैं इसको हम समझेंगे क्योंकि फिलहाल हमारा ये जो सेशन है वो हो चुका है काफी लंबा और अगर इसको आज हम लोग कंप्लीट करने चलेंगे तो 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 इसमें काफी हो जाएगा डिले होप तो आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और कोई अगर आप लोगों को डाउट है कोई क्वेरी है तो अब आप लोग उसको पूछ सकते हैं इस क्लास की जो पी है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं भाई टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ठीक सेशन को लाइक शेयर कर देंगे जो लोग भी सेशन से नए जुड़े हैं और कॉमर्स की जिनको क्वायरी करनी है डेफिनेटली कॉमर्स की क्वायरी करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा बैच ओपन है बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक और कोई बात पैशनेट बनेंगे मोटिवेशन आप सभी के अंदर में भर भर के होना चाहिए कोई प्रॉब्लम कोई इशू कोई समस्या तो आप पूछ सकते हैं डायडिक होता है द्वैत कम्युनिकेशन और द्वैत कम्युनिकेशन में दो लोग होते हैं इसको आप इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं और एक चीज और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके पास में तीन विषयों का विकल्प है आप यहां पर या तो कॉमर्स के साथ में आगे बढ़ सकते हो और अगर आप लेना चाहो तो आप मैनेजमेंट भी ले सकते हो या अगर आप चाहो तो एच आर एम भी ले सकते हो तो चाहे आप कॉमर्स के हो चाहे आपने एम बी ए किया हो यानी कि जितने भी एम कॉम वाले बच्चे हैं और एम कॉम के साथ में जिन्होंने भी एम बी ए किया हुआ है इन दोनों स्टूडेंट्स के पास में ये तीनों पेपर टू को ऑप्शन है जिसमें भी आपकी इच्छा हो वो आप ले सकते हैं पैशनेट बनेंगे मोटिवेशन भर भर के होना चाहिए लाइक शेयर बिल्कुल आप कर दीजिएगा और सोशल <coughs> मीडिया हैंडल्स जो है अगर आपने नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाएंगे टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है ऊपर कॉमेंट सेक्शन में पिन भी किया है यूपी सेट नहीं होता है हरियाणा में होता है बट फिलहाल फॉर्म नहीं आया है कोई बात और कोई समस्या अभी नहीं आए हैं Proximics का मतलब हुआ स्पेस का मतलब यह हुआ कि जहां पर टाइम की बात हो रही है जहां पे एक रिलेशनशिप की बात हो रही है व्यक्ति कई बार ना बोल करके भी एक दूसरे को स्पेस देकर भी बहुत सारे कम्युनिकेशन कर लेता है पी वाई क्यू और एमसीक्यूज उसको भी करेंगे बिल्कुल करेंगे टाइटन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हाँ नहीं करता शुभांकर जी इंटरपर्सनल नहीं करता इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इसीलिए कभी भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता डिबेट <laughs> में में दो लोग आपस संवाद कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो ये आपका ये आपका डिबेट कम्युनिकेशन क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है क्योंकि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं है ना चाहे आप विवाद कर रहे हैं या चाहे जैसी भी आप बातचीत कर रहे हैं तो ये आपका डायडिक कम्युनिकेशन हो सकता है डायडिक कम्युनिकेशन के साथ में ये आपका पर्सनल कम्युनिकेशन भी पर्सनल कम्युनिकेशन भी हो सकता है इंटर पर्सनल का मतलब हुआ दो तो लोगों के बीच में जब बातचीत हो रही है तो ये बहुत बढ़िया विश्व ऑल वेरी बेस्ट संदीप जी एम एच के लिए मास मीडिया इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होता मास मीडिया हमेशा इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब फीडबैक सामने से मिलेगा ठीक तो ये थी सारी कहानी आपकी आज के सेशन की अब किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है फिलहाल अगर किसी का कोई दिक्कत रह गया हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया होती है बिल्कुल होती है श्रुति जी सोशल वर्क के लिए भी होती है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की पोस्ट और हाँ कॉमर्स की क्लास फिलहाल पेड करी गई है कविता जी और टू ट्रिपल नाइन फीस जो भी इच्छुक हैं वो ले सकते हैं कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं लेकिन जिनकी इच्छा हो वो ले सकते हैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कोई कोर्स लेकर के पढ़ना चाहे फिर ही पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आप एक मार्केट एनालिसिस करें तो मार्केट से आप अगर कोई कोर्स लेने जाएंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव कोर्स है तब तीन महीने में आप ये समझिए कि अगर आप एग्जामिनेशन जब तक नहीं होता और आपको मात्र टू ट्रिपल नाइन देना है तो ये कहीं से भी बुरा नहीं है मतलब आपके छह महीने का पांच सौ रुपए भी आपको नहीं देना है इस तरीके से आप समझिए अगर आपका एग्जामिनेशन अगले छह महीने बाद होगा और इस छः महीने की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हर महीने का पाँच सौ रुपये फीस भी आपकी आ रही है मंथली अगर आप उसको लेकर के चलें तो बहुत ही नॉमिनल फीस है जो मुझे लगता है कि सभी अफोर्ड कर सकते हैं चलिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में मेंयर टन टाइम बाय